हमारे बीच भारत सरकार में मंत्री खट्टर साहब, बिजन पांडा जी दिल्ली के प्रभारी, दुष्यंत गौतम जी, हर्ष मल्होत्रा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, विजेंद्र गुप्ता जी एलओपी, अनिल बलून जी, जितने भी यहाँ मीडिया बंधु उपस्थित हैं, मेरे साथ आए हुए जितने भी दोस्त और बुजुर्गण हैं, सभी को प्रणाम। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े, और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी, दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी, एक व्यक्ति में उनको उम्मीद दिखी, उस विचारधारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा, और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना, और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज होते हुए अगर देखने को मिली, तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी, वो मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मैंने अपने पत्रों के माध्यम से सारी चीजें लिख दी हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि अगर कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे, तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है
तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने जरूरी हैं। मेरा जितना समय एज ए मिनिस्टर निकला, जितने भी विभाग रहे, मुख्य रूप से आज भी मुझे एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही जाना जाता है, और जितना भी मुझे मौका मिला मैंने पूरी कोशिश की कि चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे एलजी से है, क्योंकि हमारा मकसद दिल्ली वासियों के लिए काम करने का था, हमारे पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था। मेरे ख्याल से जितने भी लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े उनका मकसद अपना कि किसी चीज की वजह से अब मैं जो चाहता हूं वो ऊपर हो, वो मकसद नहीं था। लोगों का काम करने का मकसद केवल था, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली का विकास अगर वाकई में हो सकता है तो फिर वो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एक मजबूती के साथ आगे बढ़ के उसका विकास हो सकता है। और यही कारण रहे कि मैं बीजेपी के परिवार से जुड़ा हूं। आज हमारे आदरणीय और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो विजन है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो काम है, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होके और उनकी लीडरशिप के अंडर और आदरणीय अमित शाह जी, हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं नड्डा जी, जितने भी और सीनियर लीडर्स हैं, मैं समझता हूं उनकी गाइडेंस के अंडर मैं काम करता रहूंगा। पहले भी काम करता रहा हूं, और एक चीज की गारंटी देता हूं कि जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और मेरा मकसद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा मकसद केवल राजनीति में, मैंने जब प्रैक्टिस छोड़ के जब राजनीति ज्वाइन की तब भी मेरा मकसद था कि लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए और देशवासियों के लिए कैसे काम किया जाए, वो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जितने भी यहाँ सीनियर लीडरशिप है, मुझे समय समय पे उनका गाइडेंस मिलता रहेगा और हम दिल्ली के लिए और देशवासियों के लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। एक बात और मुझे आनंद है इस बात का, क्योंकि मैं मूल रूप से हरियाणा में ही 10 साल तक मुख्यमंत्री के नाते दायित्व निभाया, तो बहुत बार कैलाश जी गहलोत के बारे में उस समय सुनते ही थे। हरियाणा का बहुत एक निकट का संबंध इनका है। वैसे देखा जाए तो नजफगढ़ से आप विधायक हैं, नजफगढ़ ज्योग्राफिकली भले दिल्ली का हिस्सा है लेकिन बाकी सब चीजों को लेकर के हरियाणा का हिस्सा है, तो हरियाणा के नाते से आपके जो संबंध वहां के हैं उस नाते से आप अच्छी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले 10 साल में काम करने का तरीका समझा होगा, केंद्र में भी हमारी पार्टी जो चल रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपका योगदान, दिल्ली में अब जो चुनाव आ रहे हैं निश्चित रूप से दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी के नाते सरकार बनाएंगे, ये एक हमको पूरी उम्मीद जगी है कि इस नाते से हम आगे बढ़ेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।